भगवान कहते हैं ना कि भाई मैं जो चाहता हूँ वो तू करता नहीं, तू जो चाहता है वो होता नहीं। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज इब्राय करके यही बात कहते थे, बोले पहले तो जो हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और हो जाए तो वो रहता नहीं है। पहले तो हमारे कहे से कुछ होता नहीं है, हमारी इच्छा से कुछ हो भी जाए कै दिन टिकता है भाई वो। और फिर इसके बाद एक बात और भी है, इसके बाद एक बात और है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको वो आपका मन किसी में आसक्त हुआ, आपको लगा कि भाई ये हमारा जीवन साथी हो जाए, पहले तो होना कठिन, हो जाए तो फिर सब समय एक सा रहेगा नहीं, और एक सा यदि रह जाए तो कह रही एक सा यदि रह जाए तो फिर वो सुहाता नहीं है। ऐसा भी तो होता है, आज बड़े प्रेम में पड़े किसी के, हमको तो भाई यही चाहिए, चलो वो मिल गया, फिर क्या हुआ, फिर बीते जीवन के कुछ बरस, फिर मन उपरत हो गया वहां से, क्योंकि मन की तो स्थिति यही है, मन की तो गति ऐसी ही है। आप कभी भी देखना मन उब जाता है, मन का स्वभाव है ये, जब तक मन को परम विश्राम नहीं मिलेगा, जब तक मन को वो परम ठिकाना नहीं मिलेगा, तब तक मन उब जाएगा। अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम वस्तु आपको मिल जाए, पर वो बहुत अधिक देर तक सुहाएगी नहीं। कितना ही सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, कितना ही सुंदर व्यंजन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको रोज वो ही खाने को मिले तो मन उब जाएगा उससे, फिर मन को सुहाएगा नहीं। तो पहले तो हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, हो जाए तो रहता नहीं, और रह जाए तो सुहाता नहीं है भाई, ये संसार है। बताओ मन को कहां चैन मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा? मन तो जब तक मोहन के पास नहीं पहुंचे तब तक चैन नहीं पाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो है वो कभी भी संसार में सुख बुद्धि नहीं करता, वो कहता है भाई यहां तो अपना काम चलाना है, इसलिए यहां से उतना ले लें जितने से अपना काम चल जाए, जितने से अपना काम चल जाए, जितने से अपना निर्वाह हो जाए उतना ले लें, और उसको भी प्रसाद करके पाए, उसको भी प्रभु को निवेदन करके और बांटकर फिर पाए। स्वस्थ रहने की, स्वस्थ जीवन शैली तो यही है भाई। अनावश्यक संग कुसंग है, और आवश्यकता से अधिक संग्रह जो है वो लोभ का कारण बनता है, और लोभ है सर्व पाप को मूल। जिसके पास धन एकत्रित होना शुरू हो जाएगा ना, बस उसकी दौड़ आरंभ हो जाएगी, वो नहीं रुकेगा फिर। अरे एक व्यक्ति जानता है भाई आज मेरे पास इतना ही आएगा, सांझ तक का काम चल जाएगा, कल मुझे फिर कमाना है, फिर खाना है। आप देखो व्यक्ति चैन से सोता है, दिन भर परिश्रम करता है, उसके पास सुंदर बिछौना है कि नहीं है, उसके पास बढ़िया मखमली तकिया है कि नहीं, पर वो फिर भी चैन से सोता है, दो सूखी रोटी खाकर भी वो चैन से सोता है। मैंने देखा है ऐसा, दिन भर परिश्रम करते हैं कुछ लोग, उनको इतना ही मिलता है जितने से उस दिन का कार्य चल जाए, अधिक से अधिक एक दिन और, लेकिन फिर वो रात को चैन से सोते हैं। और सेठ साहूकारों को देखो, कौन कौन गोली खाकर सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। मैं देखता हूं कि ये कैसी समृद्धि है, ये कैसी संपत्ति है, ये कैसी समृद्धि है जो आपको भोजन और निद्रा जैसे सामान्य मानवीय सुखों से भी वंचित कर देती है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, अरे काय बात की समृद्धि है। जैसे कई बार मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप कहती है बड़ा बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी ग्रोथ हो रही है। कहाँ हो रही है भाई, कैसी ग्रोथ हो रही है? धरती आकाश सब दूषित हो रहे हैं, अन्न जल अपवित्र हो गया, शरीर रोगों का घर बन गया है, ये कौन सी उन्नति हो रही है? जीवन अस्वस्थ हो गया, मनुष्य में क्षमता नहीं रही। ध्यान रखना, और खास तौर से ये बात मैं अपने युवा सुनने वालों से कह रहा हूं, आपके जीवन में जितनी सुविधा अधिक होगी आपकी क्षमता उतनी कम हो जाएगी। जो मानवीय क्षमता है वो बहुत सुविधा में घट जाती है। इसीलिए प्रयास यही करना, पुरुषार्थ करते रहना, परिश्रम करते रहना। अरे भाई व्यायामशाला में लोग व्यायाम करने के लिए जाते हैं, पसीना बहाते हैं ना वहां जाकर। अब कोई जिम में जाता है तो पसीना बहाता है, सार बात क्या है? सार बात ही है ना कि भाई परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, यही तो बात है। परिश्रम करने के लिए तो जाता है कोई वहां,
सीधी सी बात है, ये तो भगवान ने ही शरीर बनाया ऐसा है, आप इसको चलाते रहोगे, इससे परिश्रम कराते रहोगे तो स्वस्थ रहेगा, बैठ जाओगे तो धीरे धीरे शरीर की क्षमता कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हमको तो भाई इतनी सी बात समझ में आई, इतना सा सिद्धांत समझ में आया कि भाई यहां रहना कैसे है, क्या 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 है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीवन शैली क्या है, स्वस्थ जीवन शैली क्या है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा।